Hello students, myself Neha, teacher of RKBBM. I hope all you all are fine at your home. So let's start our science class. So first chapter is my surroundings. In this we will read about living things and non-living things. As we all know that we all live in this beautiful world which is fulfilled of so many things. हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दैट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो व्हाट इज लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट कैन मूव, ग्रो, फील और रिप्रोड्यूस बिकॉज दे हैव लाइफ इन देम. ओके, बट इन अदर केस नॉन लिविंग थिंग्स आर द थिंग्स दैट आर नॉट मूव, नॉट ग्रो, not feel and reproduce because they have no life in them. Okay, so let's read much more about living things and non-living things. So the first is living things can move. All living things are moved by themselves because living things move. All living things can move on their own. यानी जो भी living things हैं वो खुद move कर सकते हैं और living thing move करते हैं in the search of food and shelter. Birds जो है वो fly करती हैं, snake crawl करते हैं या fishes जो है swim करती हैं, monkeys जो है इधर उधर swing करते हैं पेड़ों पर ताकि वो उन्हें कुछ खाने के लिए मिल सके या फिर shelter मिल सके. बिसाइड इसके अलावा भी लिविंग थिंग्स हैं तो प्लांट्स जो है, अब आप सोचेंगे कि प्लांट कैसे मूव करते हैं. प्लांट्स भी मूव करते हैं. प्लांट्स फिक्स होते हैं अपने ग्राउंड में जगह पर लेकिन फिर भी वो मूव करते हैं. कैसे मूव करते हैं? जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, वो उसे अगर आप टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो होती है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है. ओके, अब किसी की जगह पर आपके जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करते हैं, मूव करते हैं बट जब उन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तभी वो मूव करते हैं, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकते. ओके, सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग है वो ग्रो करते हैं. प्लांट, एक बेबी प्लांट नए प्लांट में चेंज होता है एंड आप ह्यूमन बीइंग जो है अपने बेबीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, उससे उनका रिप्रोडक्शन होता है. सो लाइक दिस लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव. विदाउट ब्रीथिंग दे कांट ब्रीथ. ओके, क्योंकि हमें जीने के लिए सांस लेना जरूरी है. तो हम लोग यानी कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, वो सभी जो है अपने नोज के थ्रू या नॉस्ट्रिल्स के थ्रू जो है वो ब्रीथ आउट करते हैं. और उसकी जगह पर आपके जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है जिसके थ्रू वो लोग अपना गैस एक्सचेंज करते हैं, मीन्स की ब्रीथ आउट करते हैं. एंड इसी की जगह पर जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ नहीं करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. अब क्योंकि लिविंग थिंग्स सांस ले रहे हैं, दे हैव लाइफ, सो उसको रिक्वायर्ड, उन्हें किसकी जरूरत है? फूड की एंड वाटर की जरूरत है. तो फूड एंड वाटर जो है अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो दे कांट अलाइव हो. ओके, और फूड और वाटर इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर फूड और एनर्जी, फूड और वाटर मिलेगा उन्हें तो उन्हें उससे एनर्जी मिलेगी एंड दे कैन वर्क. एंड इसकी जगह पर वही नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर इन सब की जरूरत नहीं है. सो नाउ चेंजेस. अब लिविंग थिंग्स जो है वो महसूस भी कर सकते हैं, यानी कि फील कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक कप में गरम गरम चाय रखी हुई है और उसे आपने टच कर दिया, उसमें उंगली अपनी डिप कर दी, तो जैसे ही आप डिप करेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण आप अपना हाथ तुरंत खींच लेंगे. लेकिन उसी जगह पर अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हुआ तो उसमें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा. वो रिएक्शन हमने इसलिए दिया, वी कैन फील इट, दैट्स व्हाई वी रिमूव अवर हैंड. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स जो है उनमें रिप्रोडक्शन होता है. द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. प्लांट्स भी रिप्रोडक्शन करते हैं एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं. एंड इसके बाद एनिमल्स और एनिमल्स जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स, अपने बच्चों को जन्म देंगे या फिर अंडे देकर अपने काइंड को मींस उसको रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इज नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल एंड मैन, नेचुरल मींस नेचर, जो कि नेचर ने बनाया है, यानी द थिंग्स दैट फाउंड नेचुरली, जो कि हमारी प्रकृति ने बनाया है, जो नेचर ने बनाया है, दैट इज नेचुरल थिंग्स. अब नेचुरल में दोनों थिंग्स आती हैं, मीन्स लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और या फिर आपके नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं. लिविंग थिंग्स में जैसे आपके बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिश है, ये सब आपके आ गए लिविंग थिंग्स हो गए. ठीक है, अब इसके बाद आप सोचेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल कैसे हो सकते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में नेचुरल वो चीजें हैं जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स है, रॉक्स है, ये भी नेचर ने ही बनाया है, बट दे हैव नॉट लाइफ बट दे आर नेचुरल थिंग्स. ओके, एंड द लास्ट इज मैन मेड थिंग्स. मैन मेड थिंग्स, मैन मेड साफ है कि मैन मेड का मतलब है कि जिसको मैन ने बनाया है. मैन ने जैसे कि अपनी सुविधाओं के लिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, जैसे कि हाउस है या फिर आपका टेबल है, चेयर है, बसेस है, एरोप्लेन है, जो भी अपनी सुटेबिलिटी के लिए उसने बनाया है, दैट इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो स्टूडेंट्स, this chapter is finished now, but you have already get the question answers of the first chapter by the PDF. So please write down the questions, question and answer in your fair notebook. And if you have any queries, we will discuss it when school will reopen. Okay, thank you. Have a nice day.